महीने में यहाँ आए थे ना ये। अरे भाई आपने आज 8 महीने कांग्रेस पार्टी और दीगर सेकुलर पार्टियों के साथ हम सब आके इसको यह आते पिकनिक करने की क्या पानी निकालना, क्योंकि इसका तहफ्फुज़ जरूरी है। इंजीनियरिंग सेक्शन वाले बोल रहे हैं कि भाई ये इसकी वजह से बिल्डिंग का फाउंडेशन कमजोर रहा। देखिए पूरा वो पूरा खंजार से खंजारा दिखे नीचे पूरा देखिए पूरा देख सकते हैं किस तरह हालत है। बक्सर के मुसलसे सीओ साहब को भी अभी भी बोल रहे थे तो उन्होंने बोल रहे वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए यहाँ के इंचार्ज को बुलाए बोले ठीक है हम लोग इसको खाली कराएंगे लीज पे दे देंगे लीज पे दे दो हम लोग यही बोल रहे हैं। हमारे साथ जनाब अरशद साहब हैं ग्रेटर हैदराबाद मराठी चेयरमैन मकबूल अल हाजरी हमारे इरफान भाई साहब हैं कांग्रेस कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारा यही सिंगल एक ही मुतालबा है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, यतीमों गरीबों के फायदे के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई। इससे जो फायदा होगा गरीबों के लिए जाएगा, मुसलमानों के लिए फायदा है इसका, बजाय इसके फायदा करने के ये हाल करके रखे हुए ये बिल्डिंग का। अल्लाह बरकातहू। मैं अरशद शेख चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद मैनार्टी। गुज़िश्ता 6 से 8 महीने पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, ये लगभग तकरीबन 4 साल 5 साल से यही हाल है इसका। पानी जो है ना 6 फीट अंदर, ये देखिए आप 6, 8 माले 10 माले की बिल्डिंग है। ये बाखाफी जायदाद ये कांग्रेस गवर्नमेंट में खरीदा गया, ये बिल्डिंग बनाया, उसके बाद में जैसा गवर्नमेंट तब्दील हो गई, टीआरएस गवर्नमेंट को इतना ख्याल नहीं है कि वक्त अवकाफी जो जायदाद है उसको मुकम्मल पूरा करके उसे किराया हासिल नहीं कर सकने की इतनी यानी कि नाकाबिले ये जो है ना हुकूमत है। और साथ में जो है ना ये जो पानी अंदर ठहर रहा 6 फीट तकरीबन 5 साल से, आप सोचिए ये करोड़ों रुपए डाल के जो बिल्डिंग बनाए इसका क्या हाल होगा। और महाना कम से कम करीब करीब 1 करोड़ रुपए का किराया इससे आ सकता। इसको वक्फ बोर्ड को या ये हुकूमत को कोई इससे लेना देना नहीं है। कोई कोकुला ईश्वर साहब बोल के है कहते मिनिस्टर है, उन्होंने वजीर है, कभी देखने को नहीं मिला इत्तेफाक उनको भी नहीं, किसी को जो है ना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसी को अवकाफी मुसलमानों के या माइनॉरिटीज की जो भी जायदाद हो या काम हो इनको जो है ना ऐसे ही नजरअंदाज करने की आदत हो गई है। बड़ी अफसोसनाक बात है, अगर जल्द से जल्द नहीं करेंगे कांग्रेस के आला अहदेदार आएंगे यहाँ पर आके यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे जैसा उस्मान अल हाजरी साहब बोले यहाँ पिकेटिंग करेंगे। यह हाल है आपका।
कल जाए वाले हैं वो नुकसान पहुँचा रही है बहुत।